दोस्तों, जितनी रफ्तार से पूरी दुनिया विकास कर रही है वह हमारी अर्थव्यवस्था और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए तो काफी अच्छा है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से मानव जाति का विकास हुआ है उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे वातावरण पर साफ तौर पर देखने को मिला, जिसके तहत ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ और भी कई पर्यावरण से जुड़ी परेशानियां उभर कर सामने आई है। लेकिन इन सभी परेशानियों को सुलझाया जा सकता है अगर हम हमारे ऊर्जा के स्रोतों को ग्रीन एनर्जी की तरफ मोड़ दें, जिससे न कि सिर्फ हमारी ऊर्जा की जरूरतें पूरी हो जाएगी बल्कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए काफी महत्वपूर्ण बदलाव भी कर सकेंगे, और इसी के तहत रिसर्च लगातार जारी है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी सोर्स नहीं मिल पाया था जिसे हम पेट्रोल और डीजल का एक भरोसेमंद अल्टरनेटिव कह सके। हालांकि लगातार किए जा रहे रिसर्च ने भारत को वह कामयाबी दी जो कि विश्व का कोई भी देश अभी तक हासिल नहीं कर पाया। भारत ने इस बात को आज से 2-3 साल पहले ही समझ लिया था कि अगर पेट्रोल और डीजल का कोई सच्चा और असली अल्टरनेटिव हो सकता है तो वह ग्रीन हाइड्रोजन ही है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जिसे हम काफी बड़े माने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं इसका कोई वेस्टेज भी नहीं बचता। साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें नए इंफ्रास्ट्रक्चर और उपकरणों को बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे पास मौजूद ऑयल टैंकर ही ग्रीन हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को हम कई अलग अलग फॉर्म्स में एक से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन को पेट्रोल और डीजल का काफी अच्छा अल्टरनेटिव सोर्स बनाता है, जिसकी वजह से अब भारत ने इस क्षेत्र में प्रगति हासिल करने के लिए दो काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। दरअसल सबसे पहला कदम भारत की विशालकाय प्राइवेट कंपनी टाटा ने उठाया है, जिसके तहत टाटा ने अमेरिकन कंपनी कमिंस के साथ हाथ मिलाया है और दोनों कंपनियां एक साथ मिलकर हाइड्रोजन पावर इंजन का निर्माण करेंगे, जिन्हें बनाने के लिए विश्व स्तरीय तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही ये दोनों कंपनियां हाइड्रोजन पावर इंजन को बनाने के लिए एक साथ मिलकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रफ्तार को भी बढ़ाने के तहत काम करने वाली है। दोस्तों, टाटा और कमिंस एक साथ मिलकर पिछले कई दशकों से काम कर रहे हैं, इसीलिए दोनों कंपनियों के बीच में काफी उच्च स्तर का भरोसा भी बना हुआ है। ऐसे में टाटा द्वारा इस अमेरिकन कंपनी के साथ मिलकर हाइड्रोजन इंजन के क्षेत्र में काम करना भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ये दोनों कंपनियां एक साथ मिलकर कुछ सबसे शक्तिशाली और भरोसेमंद हाइड्रोजन इंजन का निर्माण करने में सक्षम है। साथ ही हमें हाइड्रोजन फ्यूल के साथ ये बात भी समझनी पड़ेगी कि मौजूदा समय में उपलब्ध इंजन हाइड्रोजन को एक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ऐसा भी नहीं है कि हम पेट्रोल और डीजल इंजनों में कुछ थोड़े बहुत फेरबदल करके हाइड्रोजन को एक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि हमें हाइड्रोजन के इस्तेमाल के लिए एक बिल्कुल नए इंजन का निर्माण करना होगा जिसके विकास में काफी समय लगेगा। हालांकि अभी कुछ हाइड्रोजन इंजन तो मौजूद हैं, लेकिन उनकी तकनीक को मैच्योर होने में अभी कुछ सालों का समय लग सकता है। हाइड्रोजन इंजन इंटरनल कम्बशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, जिसे विकसित करने और मैच्योर करने में कुछ सालों का समय लगेगा, जिसके बाद हम इंटरनल कम्बशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हाइड्रोजन इंजन को बड़े स्तर पर वाहनों में इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो कि पेट्रोल और डीजल गाड़ियों का एक अच्छा अल्टरनेटिव बनकर सामने आएंगे। साथ ही जहां एक तरफ भारत की प्राइवेट कंपनी हाइड्रोजन को एक फ्यूल के तौर पर विकसित करने और हाइड्रोजन इंजन की तकनीक को स्वदेशी रूप से विकसित करने के लिए काफी तेजी से काम कर रही है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत सरकार भी हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत को अव्वल बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने से पीछे नहीं हट रही, जिसके तहत मात्र 48 घंटे पहले भारत सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च कर दिया है। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि भारत द्वारा लॉन्च किया गया एक बेहद ही महत्वपूर्ण हाइड्रोजन मिशन है, जिसके तहत भारत इस बात का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है कि हम देश के अंदर प्रोड्यूस किए जाने वाले हाइड्रोजन की क्षमता को काफी तेजी से बढ़ाएंगे, जिसका निर्यात हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कर सकेंगे। इतना ही नहीं बल्कि भारत हाइड्रोजन को एक फ्यूल के तौर पर स्थापित करने के लिए भी इस मिशन के तहत काफी महत्वपूर्ण कदम उठाएगा, जिससे हम 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चरणबद्ध तरीके से देश के अंदर हाइड्रोजन प्रोडक्शन और हाइड्रोजन वाहनों के इंटीग्रेशन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे धीरे धीरे हाइड्रोजन वाहन देश के अंदर लोकप्रिय हो सकेंगे और भारत के अंदर काफी बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल किया जाने लगेगा, जिससे हम पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को रिप्लेस कर देंगे, जो न कि सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छा होगा बल्कि इससे हम पर्यावरण को भी सुरक्षित रख पाएंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर चीजों को समझने की कोशिश करें तो भारत हाइड्रोजन इंजन के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए काफी तेजी से काम कर रहा है, जिसमें भारत के टाटा जैसी विशालकाय प्राइवेट कंपनियां काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथ ही भारत सरकार भी इन प्राइवेट कंपनियों को समर्थन देने से पीछे नहीं हटी है, जिसके तहत नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन जैसे महत्वपूर्ण मिशन भी लॉन्च किए जा रहे हैं, जिससे भारत हाइड्रोजन के क्षेत्र में विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत सरकार और टाटा के इस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।